राशि इसका हिंदी व्याकरण माने जाए। सर प्राय के नाम शब्द विचार और फ्री का और शब्द विचार प्राकार उसके बाद आपको शब्दों का वर्गीकरण भी बताए। अब शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर, नाम के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज उसके बारे में बता रहे हैं कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, एकल, विशेषी और संघ। रचना भ्रवण के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, वियोगी, योगगुण। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अधिकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कुछ अपेक्षित क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, उसे पढ़कर याद कीजिए।